हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE, एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश। स्वागत है आपके चैनल पर ECLE के। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट स्पोकन की पर्पस से बहुत यूजफुल है और मैं बताऊंगा पास्ट इंडेफिनेट में हम स्टोरी बनाना भी सीखेंगे कि हम कैसे स्टोरी बना सकते हैं। उससे पहले पास्ट इंडेफिनेट के हम कुछ WH के वर्ड हैं। यूज ऑफ हुम मीन्स होता है किसके यूज होता है, किसका है, किसकी यूज होता है, वो भी हम देखेंगे। WH वर्ड में लगभग 8 हैं और WH हुम के वैसे तो 15 है, लेकिन आज मैंने 8 लिए हैं ताकि आप छोटे छोटे में आप सेंटेंस बना सकें और उसको कवर कर सकें। सो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हम आपके बीच में आ सके, आप तक पहुंच सके और आप अच्छी अंग्रेजी को सीख सके, आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। इसलिए ऑल पर क्लिक करना घंटी वाला बटन दबाकर, ओके सब्सक्राइब करके, तो वीडियो आएगी तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और आप ECLE की स्पोकन इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो पहले हम यूज ऑफ हुम के जो कुछ जो वर्ड हैं जो WH वर्ड में यूज होता है। WH या हम इसको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। मैं इसकी सीरीज करा रहा हूँ, आपको तो पता ही है कि मैं इसकी सीरीज करा हूँ। तो यूज ऑफ हुम में आज हम वर्ड देखेंगे और इसका यूज आपको सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है अबाउट हुम। अबाउट हुम मतलब होता है किसके बारे में, क्या होता है अबाउट हुम का मतलब किसके बारे में, ओके। फिर क्या है दूसरा वर्ड बिहाइंड हुम। बिहाइंड हुम किसके पीछे, किसके पीछे, तुम किसके पीछे हो या तुम किसके पीछे रहते हो, किसके पीछे तुम्हारा घर है। तो हम बना सकते हैं क्वेश्चन वर्ड में बिफोर हुम। बिफोर हुम का मतलब होता है किसके पहले, किसके पहले होता है बिफोर हुम का मतलब। याद रखो बिफोर हुम का मतलब क्या होता है, किसके पहले। आफ्टर हुम, आफ्टर हुम का मतलब होता है किसके बाद, किसके बाद, सीरीज की बात करें किसके बाद, ये पहला दूसरा तुम्हारा किसके बाद, ओके। नियर हुम किसके पास, तुम्हारा घर किसके पास है, स्कूल किसके पास है। लोकेशन के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं किसके पास है, जैसे हम कहीं जा रहे हों, कोई हम कोई को हमें या फिर घर का पता मालूम करना है किसी दोस्त का या कोई भी एड्रेस पता करना हो तो ज़रूर नियर का यूज़ होता है। नियर ऑफ हिल्स या नियर ऑफ दी स्कूल्स कॉलेज शॉप्स एनी, तो हम किस में यूज़ करते हैं किसके पास, नियर ऑफ हुम, तुम्हारा घर किसके पास है, यह स्कूल किसके पास है, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से आप बोल सकते हैं, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। अक्रॉस हुम, अक्रॉस हुम का मतलब होता है किसके पार, किसके पार, किसके पार, क्रॉस के रूम अक्रॉस हुम, तुम्हारा घर किसके पार है, किसके पार यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट होम हुम किसके अलावा, फॉर हुम मीन्स किसके लिए। तो यह जो 8 वर्ड थे मैंने आपको जो बताए हैं यूज ऑफ हुम के, यह 15-16 है, आधे आज इस क्लास में आपने पूरी कर लिए है, आधे हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। और आज है मंगलवार, आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन होगा कि संडे को मंडे को आपकी वीडियो नहीं आई है, मंडे को कहाँ गए थे भाई तो मंडे की मैंने वीडियो बनाई थी यूज ऑफ हुम की और यह इंडेफिनेट सेंटेंस की पास्ट की, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आ गई थी वीडियो में, डेट्स वाई आई कुडेंट अपलोड। मैंने अपलोड भी कर ली थी लेकिन मैं देखी ये तो पूरी वीडियो ही गलत है, तो मैंने उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया और शाम भी हो चुकी थी तो वीडियो बनाना मुश्किल था रात में शाम के टाइम पे, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी ना रहती और बोर्ड पर भी क्लियर नहीं दिखता। और अगर आपको वीडियो बनाना है तो अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, तो लाइटिंग तो अपने पास सिस्टम है नहीं, इसलिए मैं नेचुरल लाइट में दिन में वीडियो शूट करता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन इस बार सैटरडे तक अपन वीडियो रखेंगे, उसके बाद संडे की छुट्टी रहेगी, मंडे से अपन फिर स्टार्ट करेंगे वीडियो बनाना, ओके। सो बने रहिए क्लास के बीच में। और यदि आप चैनल पर बोर हो रहे हैं तो बिल्कुल बोर नहीं होना है, अपन पास्ट इंडेफिनेट इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसको हम मिटाते हैं। और मिटाने से पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट,
वेरी गुड फॉर द टेकिंग द स्क्रीनशॉट। ओके, और हम पास्ट इंडेफिनिट कर पढ़ेंगे। स्पोकन के पर्पज से यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाना सीख लिए और यूज़ करना सीख लिए तो मेरी मैं गारंटी देता हूँ आप स्टोरी को कवर कर सकते हैं, स्टोरी को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ध्यान रखना, बिल्कुल अपना फोकस है, बोर्ड पर रखना, पेन और कॉपी साथ में रखना बिल्कुल, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई भागने की जरूरत नहीं है। क्या लगा? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ये नहीं समझ रहे, एफ है थोड़ा सा एक, हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल आसानी से। और किसी भी सेंटेंस को पढ़ाने से पहले हम उसकी क्या देखते हैं, उसकी हम पहचान देखते हैं कि सेंटेंस क्या कर, पहचान क्या है। तो पहचान भाई याद रखना आप लोग, पहचान को लास्ट में क्रिया के आ की मात्रा, ऐसे कर लो थोड़ा सा ऐसा, आ की मात्रा आती है, ई की मात्रा आती है और ए की मात्रा आती है, ठीक है। आ की मात्रा जैसे मिला आया, आ की मात्रा आया, ठीक है। ए की मात्रा गए, ऐसे हो सकते हैं ना, और या गई, ऐसे पढ़ाई, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट में आ ई, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा तो समझ ले रहा पास्ट इंडेफिनिट है। और एक चीज़ में बताना भूल गया, पास्ट इंडेफिनिट को अपन सिंपल पास्ट भी बोलते हैं या पास्ट सिंपल भी हम बोलते हैं। ओके, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बता दूँ, कुछ वेबसाइट पे आपको मिलेगा, सर्च करोगे ज़्यादातर तो ता प्लस था थी और थे पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, मैं खेलता था, तो इसको भी किस में यू इंक्लूड कर देते हैं, ज़्यादातर इसको पास्ट इंडेफिनिट में इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन यह जो पास्ट इंडेफिनिट का है ये गलत है, पढ़ता था, पढ़ते थे, क्योंकि पास्ट की हैबिट बताता है, तो पास्ट की हैबिट बताता है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लेते हैं। जैसे हम यूज टू में लेते हैं तो यूज टू तो अब अपन पढ़ना नहीं है अभी, तो ये तो बहुत दूर की कौड़ी है यूज टू, तो ये ध्यान रखना ता था ती थी ते थे अगर पास्ट इंडेफिनिट में तो वो है नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है? आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा आए, वो क्या पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है। और एक और बात, ये तो फर्स्ट बात हुई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दूसरा जैसे वह नहीं, दूसरा लोगों उसने पढ़ाई की थी, ठीक है, उसने पढ़ाई की थी, मैंने खेला था, तो ये भी कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट में, स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है, लेकिन ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है। ओके, तो जो मिसयूज थी मैंने इसलिए ये भी बता दी कि जो थोड़ी सी क्या थी, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी, मतलब मैं मानता हूँ, तो स्टूडेंट इसमें अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं, तो जहाँ ता था ती थी ती थे या फिर पढ़ता था पढ़ती थी थी आए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, ये परफेक्ट का है। ये किसका है? परफेक्ट का है। तो ये तो जब हम परफेक्ट पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने फिर भी नॉलेज के तौर पर बता दिया कि ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो। पास्ट इंडेफिनिट क्या है? जिनके लास्ट में आ ई ए की मात्रा आए, वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लेना यह क्या नहीं है, यह पास्ट इंडेफिनिट का जो पार्ट नहीं है, इसे पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि और मैं उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आकर होते कैसे हैं। ध्यान से देखना बिल्कुल भी, ओके, बिल्कुल भी क्लास छोड़कर नहीं भागना, ओके, क्लास को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी पार्ट छूटने जाए ना, तर आप सोचो कि मुझ पर तो आ जाता है, मैं सेंटेंस बना लूँगा देख के, और आपको इम्पोर्टेंट पास्ट इम्पोर्टेंट जो क्या बोलते हैं पार्ट है वीडियो का मिस कर दें। तो सेंटेंस ध्यान से देखो कैसे बनता है। जैसे मैंने पढ़ाई की, बच्चों ने क्रिकेट खेला,
ठीक है, हो सकता है सुरेंद्र स्कूल आया, सुरेंद्र स्कूल आया, तुमने उसे डांटा, तुमने उसे डांटा नहीं, अच्छा अच्छी सी मिली, तुमने उसे पढ़ाया। तो ये हैं आ ई ए की मात्रा, जैसे अक्की की मात्रा, ए की मात्रा, वह स्कूल पहुँचे या कलेक्ट स्कूल पहुँचे, ए की मात्रा आ गई। तो एक ए वाले हैं पास्ट एंड इंडेफिनेट की पहचान देख लो आप लोग, कभी नहीं बोलोगे इस वीडियो देखने के बाद ना, कभी कंफ्यूज होगे, ई की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, है ना। तो यह असली पास्ट इंडेफिनेट की पहचान है। तो अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो बीच में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि इस वीडियो को अंग्रेज भी पहुँच सके। ओके, तो अब हम किस पर जाते हैं, अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर पर जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर क्या है इसका, रेड पेन से करें क्या, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, रेड पेन से कर लेता हूँ। ओके, स्ट्रक्चर ये है, ध्यान से देखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं हमेशा सेंटेंस में अदर वर्ड लिखता हूँ क्योंकि जो सेंटेंस में आपको सिर्फ सेंटेंस में क्या करना, सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचाननी है, ऑब्जेक्ट पहचाननी है, उसके बाद जो भी वर्ड है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। जैसे आज मैं स्कूल आया, आज मैं स्कूल आया, तो आज अंग भली है लेकिन आज सब्जेक्ट तो नहीं है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब वर्ब का फॉर्म देख लो, वर्ब का सेकंड फॉर्म मैंने बोला, तो ध्यान रखना, टेंस में आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में कि वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने लिखा गो, वेंट या गोन, स्टडी, स्टडीड, ईडी लगता है शायद, ऐसा स्टडीड, यही है ना। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये यूज होता है। तो इसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, दूसरा वाला यूज़ करते हैं। ओके, तो ये भी मैं वर्ब के फॉर्म में आपको बहुत सारे बता दूंगा, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेना, ये भी आपको याद हो जाएंगे। ओके, सो बिल्कुल भी क्लास में बोर नहीं होना है, बने रहना है बहुत एनर्जी के साथ में। तो हम लिखते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, ऐसे इंटरोगेटिव लिखो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। फोर्थ वाला देख लो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाला देख लो, जो मैं आपके बे बताए थे, कुछ वर्ड बताए थे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये चार फॉर्म हो गए ना, ये चार फॉर्म हो गए, गुड। अब ऐसे ही फोर्थ वाला लिखो, क्वेश्चन वर्ड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये छह स्ट्रक्चर हैं जो आपको पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस में बनाने हैं। छह स्ट्रक्चर, छह सेंटेंस बनाते हैं, हर बार की तरह हमें पास्ट इनको यूज़ करना है सेंटेंस में। ओके, सो इसको आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, क्योंकि जगह की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, बोर्ड छोटा है, इसलिए इसका भी अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको स्ट्रक्चर देख के सेंटेंस बनाना है। ओके, यहाँ पर भी सीखना है, स्ट्रक्चर देख के ध्यान से सेंटेंस बनाना है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, मैं आपको बता दूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल और केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होगा। बाकी जो पाँचों सेंटेंस हैं, आप ध्यान से अगर नोटिस किया होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, तो पांचों सेंटेंस में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। इतना बात समझ गए ना।
वेरी गुड समझने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आई होप, थैंक यू वेरी मच फॉर द टेकिंग द स्क्रीनशॉट। और हम आगे बढ़ते हैं इस सेंटेंस को, इसको हम मिटा देते हैं स्ट्रक्चर को, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है अपने पास बोर्ड की। लेकिन आपका अगर सहयोग रहा तो हम कुछ दिनों बाद बड़े बोर्ड पर पढ़ेंगे और बड़े बोर्ड के बाद स्मार्ट बोर्ड पर भी आ जाएंगे। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करना है, सपोर्ट सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि चैनल की रीच भी पहुंचे और दूसरे स्टूडेंट भी जुड़ सके, उनका भला भी हो सके। चलो तो बाकी बात तो अपन बाद में कर लेते हैं, पहले हम सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला सेंटेंस अपन देखते हैं। पहला सेंटेंस देखो, मैंने पढ़ाई की, बच्चों ने क्रिकेट खेला, सुरेंद्र स्कूल आया, तुमने उसे पढ़ाया, वह स्कूल पहुँची, या कलेक्टर स्कूल पहुँची, कलेक्टर कर लेते हैं अपन, कलेक्टर स्कूल पहुँची। ओके चल इसको मिटा दो, कलेक्टर कलेक्टर हिंदी में लिख लो, कलेक्टर स्कूल पहुँची। ओके आते हैं ना कभी सरकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए, कलेक्टर वगैरह आ जाते हैं कभी कभार, सो दे टाइम। ओके तो अपन सिंपल वाला सेंटेंस लेते हैं, बच्चों ने क्रिकेट खेला, बच्चों ने क्रिकेट खेला, छः बनाना है ध्यान से, बच्चों ने क्रिकेट खेला, बहुत ध्यान से बोर्ड बिल्कुल मतलब अपनी नज़र है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, मतलब बोर्ड पर रखनी है और ध्यान से सेंटेंस बनाना है जो पहली बार दिख रहा है। बच्चों ने क्रिकेट खेला था, बच्चों ऐसे में क्या है भैया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बच्चा, बच्चों तो होगा CHILD, चिल्ड आर एन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता है ध्यान रखना, चिल्ड्रन प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ED लगा दो सब प्लेट हो जाता है, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्या है भाई, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, आ गया समझ में। अगर मैं यहाँ आज लगा देता, बच्चों ने आज क्रिकेट खेला, तो यहाँ अपन लास्ट में टुडे भी कर देते, ठीक है, लेकिन चलो ये छोड़ो, अभी तो इतना ही बनाना सीखो। ओके बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेला मतलब बच्चों ने क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिकेट नहीं खेला, मुझे भी पता नहीं है, मैंने बचपन से यही सुना है। ओके तो क्या बनाएंगे, चिल्ड्रन डिड नॉट, डिड क्यों आ गया, स्ट्रक्चर में डिड लगा है, डिड के बाद नॉट लगाते हैं, चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, बाकी सब भूल जाओ। ओके अब क्या, बच्चों ने क्रिकेट खेला, अब वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ध्यान रखना, मतलब बाकी पाँचों सेंटेंस में क्या, बच्चों ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला, खेलते हो गए ना हम लोग, मैं भी खेलता था कभी कभी, मैं भी खेल लेता हूँ क्रिकेट, इतना क्रिकेट खेलते मुझे बनता नहीं जाना था। तो अगर डेड चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, तो सेंटेंस वही बनाने जो आपको क्या यूज़फुल रहे, लाइफ से जुड़े हुए, तो आपको जल्दी इंग्लिश आएगी। क्या बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेला, हम अब बुंदेलखंडी बोलते हैं नहीं खेला, क्या बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला, अब बुंदेलखंडी में तो खतरनाक बोलते हैं, डिड चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट, यही बन जाएगा फोर्थ वाला, बिल्कुल उसी के अनुसार क्लास में भागना नहीं, ध्यान से बनाते रहना, ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन वर्ड वाला हम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड सॉरी बच्चों ने क्रिकेट किसके लिए खेला, किसके लिए यूज़ करते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, किसके लिए खेला, किसके लिए क्या बोलते हैं, फॉर हुम, फॉर हुम डिड चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, ऐसा इसका क्वेश्चन वर्ड इंटोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, बच्चों ने क्रिकेट किसके लिए नहीं खेला, क्या बनाएंगे भाई, फॉर हुम डिड चिल्ड्रन नॉट प्ले,
तो इस तरह हम सेंटेंस को बना सकते हैं क्वेश्चन वर्ड में, जो मैंने 6 सेंटेंस आपको बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट के, यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके पर्पस से, आपके स्पोकन की पर्पस से। और ये 6 सेंटेंस है, बाकी के जो 5 सेंटेंस है वो आपको बनाने हैं। मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाने हैं, स्ट्रक्चर देख कर आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस कैसे करती है मैंने इसको भी बताया। ECLE का टेलीग्राम चैनल है गौरव, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ECLE और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप जहाँ से भी आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हैं। ECLE आप फोटो भेजिए, वीडियो भेजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए, जिस माध्यम से आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है पास्ट इंडेफिनिट को। अब है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के माध्यम से हमें स्टोरी कैसे बनानी है, एक्टिविटी कैसे करनी है, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। आपको यह वीडियो कैसे लगी प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू नैट नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टिल नाउ, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दी प्रेस दी बेल आइकन। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं। मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।